नमस्कार दोस्तों, बीके कंप्यूटर हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर ब्लॉगिंग सीरीज चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कीवर्ड से रिलेटेड ही है। और यदि आप एक नए ब्लॉगर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च कर लेते हो तो तभी आप मान लीजिए कि आपने अपने ब्लॉग का 50% वर्क कम्प्लीट कर लिया। यदि आपके पास एक अच्छा कीवर्ड नहीं है तो आप कितना भी अच्छा आर्टिकल लिख लो, कितना भी उसका SEO कर लो, वो रैंक में नहीं आएगा। क्योंकि जो कुछ सब डिपेंड करता है वो कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कीवर्ड ही मेन होता है ब्लॉग पोस्ट के लिए। और कीवर्ड कैसे रिसर्च किया जाता है इसके लिए बहुत से टूल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर जो अच्छे टूल्स हैं, जो अच्छा वर्क करते हैं, वो सभी पेड हैं। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप किसी भी टूल को परचेज करो, क्योंकि जब तक आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आप कोई भी टूल परचेज मत करो। और मैं आपको फ्री के टूल्स, जो अच्छे टूल्स हैं, और कुछ ऐसे टूल्स जो पेड हैं और उन्हें फ्री में हम कैसे यूज करेंगे, ओके, इन सभी के बारे में बताऊंगा। ब्लॉगर से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स कंप्लीट सीरीज आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, ओके। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक क्रोम का एक्सटेंशन है, वो पेड वर्जन भी अवेलेबल है, और उसे हम फ्री में कैसे यूज करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। उसकी मदद से आप अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ओके। और जब तक आपको कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आएगा तब तक आप कितने भी पोस्ट क्रिएट कर लो, पब्लिश कर दो, आपका जो ब्लॉग है, वेबसाइट है, वो रैंक में नहीं आएगा, ओके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो एक्सटेंशन मैं बता रहा हूँ आपको, हम उसे किस तरह अपने क्रोम में ऐड करेंगे और उसकी मदद से हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है, आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसे ओपन करें, ओके। और उस जो एक्सटेंशन है उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे, उसका नाम है कीवर्ड सर्फर फॉर क्रोम, ओके। इसका जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेड में भी अवेलेबल है और फ्री में भी। यहाँ जो सबसे ऊपर आ रहा है कीवर्ड सर्फर, यहाँ आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। आप चाहें तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है surfersseo.com, हम एक बार इसको विजिट कर लेते हैं। यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन न्यू टैब करूँगा, ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आप इसे परचेज करोगे तो इसमें जो 7 days का है, $1 में आप 7 दिन के लिए परचेज कर सकते हो, ओके। लेकिन हमें, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हमें बिल्कुल फ्रीली यूज करना है इसे, ओके। हम फ्री में किस तरह इसे यूज करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आप कोई भी टूल परचेस ना करें, ओके। तो यहाँ पर इसे हमें पहले क्रोम में ऐड करना है। यहाँ आ रहा है ऐड टू क्रोम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का विंडोज आएगा आपके सामने, या ऐड टू एक्सटेंशन। अब यहाँ आप देखोगे कि इसकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, ये हो रहा, और ये डाउनलोड हो चुका है। ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है इसलिए इसने टाइम नहीं लिया। यहाँ हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, कीवर्ड सफर हैज बीन एडेड टू क्रोम, ओके। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। अब मैं अपने एक्सटेंशन के ऊपर जाता हूँ, जो ये आइकन एक्सटेंशन का है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ ये आ गया कीवर्ड सफर। मैं इसको पिन कर लेता हूँ इनके साथ में, ओके। तो पिन के लिए यहाँ पिन का आइकन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये हमारा कीवर्ड सफर यहाँ पर देख सकते पिन हो चुका है, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करना है। अब जैसे मुझे यहाँ पर एक पोस्ट लिखनी है, मेक मनी, ओके, मेक मनी। मैंने मेक मनी यहाँ पर टाइप किया गूगल में और इसे सर्च करता हूँ। आप इस एक्सटेंशन की मदद से बेहतर कीवर्ड और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। यहाँ ये हमारा कीवर्ड सफर आ चुका है, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो फ्लैग देख रहे हैं ना, इसके साइड में एरो जैसा आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है,
यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पेज आ रहा है, ओके। इस पर आपको 5 कीवर्ड्स दिखा रहा है ये, या इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको आपको कर लेना 20। ये हमें अब यहाँ 20 कीवर्ड्स दिखाएगा। अब आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे पता करना है, यहाँ आ रहा है मेक मनी, ओके। अब ये मेन कीवर्ड हो गया आपका, और मेक मनी से जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाएगा, ओके। यहाँ आ रहा है सिमिलरिटी, पहले आपको यहाँ सिमिलरिटी सेट करनी है। यहाँ पर सिमिलरिटी आप 50% रहने दें, ओके। 50 से कम नहीं होना चाहिए। सिमिलरिटी का मतलब होता है कि जो कीवर्ड आपने यहाँ पर सर्च किया है इसके सिमिलर कीवर्ड, ओके। तो इसके जो सिमिलर कीवर्ड हैं वो यहाँ पर है। अब क्या करना है आपको, इसके जो सिमिलर कीवर्ड्स हैं इन्हीं में से किसी एक कीवर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है, और आप उस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करें जिसकी सिमिलरिटी 50% है, ओके। यहाँ 50 आ रहा है, अर्न मनी फॉर ऑनलाइन, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, हमें पहले यहाँ लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालना है, ओके। अब यहाँ जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर आ चुका है, अर्न मनी फॉर ऑनलाइन। अब इसके सर्च बार में आपको क्लिक करना है, मैंने क्लिक किया तो यहाँ इसने नीचे आपको कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड दिखा दिए, ओके। ये सभी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है अपने एक्सटेंशन पे, यहाँ देखिए ये आ रहा है। अब यहाँ आपको सिमिलरिटी 50, यहाँ देखिए ये 50 सिमिलरिटी के कीवर्ड्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो इनमें क्या करना है आपको, जैसे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ये यहाँ गया। यहाँ आप चेक कर सकते हैं इसका इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1900 है, ओके। और इसका जो सीपीसी है वो 0.30 है। तो यहाँ आपको मैं 3 बातें रिकमेंड करता हूँ, ओके। 3 बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो जो आपका सर्च वॉल्यूम है कीवर्ड का, ये वाला, ओके, ये 1000 से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो सीपीसी है यहाँ पर, ये 0.2 0.5 इससे कम नहीं होना चाहिए, 0.2 तो होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब कोई आप कीवर्ड, यहाँ जैसे आपने इस कीवर्ड को ले लिया, इसके ऊपर आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, अगर मान लो इसका सर्च वॉल्यूम हाई है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका सीपीसी 0 है, तो इस पोस्ट को क्रिएट करने का आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जब इस पोस्ट से आपको अर्निंग ही नहीं होगी, इस आर्टिकल से आप पैसे ही नहीं कमा पाओगे। इसलिए हमें जो सीपीसी है इस पर विशेष ध्यान देना है, यहाँ ये 0 नहीं होना चाहिए, ओके, यहाँ मिनिमम 0.5 0.2 होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद अब जो ये कीवर्ड निकाला है हमने, ओके, इसका सर्च वॉल्यूम 2400 और सीपीसी $0.30। अब क्या करना है, यहाँ स्टार देख रहे हैं आप, इस स्टार के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये हमारे क्लिपबोर्ड में ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट नीचे देख सकते हैं हम, अब इससे सिमिलर कीवर्ड हैं ये सभी कीवर्ड क्या हैं, इसी के सिमिलर कीवर्ड हैं इसके। तो इनमें से और आप कोई कीवर्ड देख सकते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, देखिए इसकी जो सिमिलरिटी है वो 50% है, यानी कि ये वाला कीवर्ड, इसका वॉल्यूम 2400 और सिमिलरिटी 50%, तो इस वाले कीवर्ड से इसकी सिमिलरिटी कितनी, 50% है। तो मैं इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसका सीपीसी चेक करते हैं अपन, ये देखिए इसका सीपीसी भी बहुत अच्छा है, $0.48, ओके। और इसकी जो सर्च वॉल्यूम है 2400, $0.45 है इसका सीपीसी। अब इस कीवर्ड को भी हम अपने क्लिपबोर्ड में ऐड कर लेते हैं, यहाँ से मैंने इसे ऐड किया। अब जो ये कीवर्ड हमने यहाँ पर सर्च किया है, अब इसके रिलेटेड कीवर्ड
यहाँ आ गए होंगे, ये आ गए। ओके, ये देखिए, मेक मनी ऑनलाइन विद गूगल, लेकिन इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 320 है, हमें मिनिमम 1000। रियल वेज टू मेक मनी फ्रॉम होम, इसका देखिए 1000 है वॉल्यूम। और इसका CPC हमें चेक करना है, यहाँ मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए, इसका जो सर्च वॉल्यूम है 1000 है और इसका CPC 0.46। ओके, अब इसे भी मैं अपने क्लिपबोर्ड में ऐड कर लेता हूँ। और इस सर्च बार में भी आप क्लिक करके यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए इसका 2400 है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो मैं इसको भी देख लेता हूँ, इसका जो CPC है 0.37 और इसका सर्च वॉल्यूम 2400। तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, इसको भी मैं यहाँ से अपने क्लिपबोर्ड में ऐड कर लेता हूँ। अभी बताऊंगा मैं क्लिपबोर्ड में कहाँ से आपको देखना है इसे। तो इसके बाद नीचे आप सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे बहुत सारे। ओके, यानी इस वाले कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड आपको यहाँ पर, इनकी सिमिलरिटी पर ध्यान देना है आपको, कम से कम 50% सिमिलरिटी इसमें होनी चाहिए और वॉल्यूम 1000 होना चाहिए। यानी कि आपको तीन बातों को ध्यान में रखना है, सिमिलरिटी होनी चाहिए 50%, वॉल्यूम 1000 से कम नहीं होना चाहिए, और जो CPC है, ये CPC रेट, यहाँ पर भी 0.2 या 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 होता है, मान लो एक अच्छा कीवर्ड आपने रिसर्च कर लिया, उसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन CPC या 0 है तो उस पर मिलियंस ट्रैफिक आए लेकिन आपकी अर्निंग नहीं होने वाली है। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट हम फीचर्स समझ लेते हैं, अब यहाँ आ रहा है क्लिपबोर्ड, जो भी कीवर्ड्स हमने ऐड किए हैं ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लिपबोर्ड में ये सभी ऐड हो चुके हैं। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से, तो पहले मैं इसका एक और फीचर आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, इस तरीके से। तो यहाँ फर्स्ट जो आ रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर ले जा रहा हूँ तो ऊपर ब्लैक कलर में यहाँ लाइन पर देखिए ये वेबसाइट है southmeloud.com। ओके, ये हर्ष अग्रवाल जी की वेबसाइट है और इस कीवर्ड पे इनका जो ट्रैफिक है वो 2.3 मिलियन मंथली ट्रैफिक है। ओके, अब यहाँ से ये भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, फर्स्ट वेबसाइट पे ये आ रहा है southmeloud.com, ये देखिए ट्रैफिक, ये इस एक्सटेंशन की मदद से आप यहाँ से ट्रैफिक भी देख सकते हैं कि किस पोस्ट पर, किस कीवर्ड पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। ओके, और इसके बाद आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट लिखी गई है इसके अंदर कितने वर्ड्स लिखे गए हैं, यहाँ आ रहा है 3937 वर्ड्स फर्स्ट वाली पे। ओके, और यहाँ पर विशेष ध्यान आपको एक और देना है, और जैसे यहाँ आ रहा है बर्ड, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ये ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बर्ड पे जाऊँगा तो फर्स्ट वाली वेबसाइट का बर्ड 3937 दिखा रहा है, सेकंड वाली का 3917 दिखा रहा है। ये देखिए, फर्स्ट वाली का 3937 ये आ रहा है, ये देख सकते हैं। इस एक्सटेंशन की मदद से ये भी आप चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट में कितने वर्ड्स यूज किए गए हैं। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप न्यू ब्लॉगर हैं, अभी आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो यहाँ से आप ये वर्ड भी चेक करें, जिस कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हैं उस कीवर्ड के ऊपर कितने वर्ड्स के अंदर पोस्ट लिखी गई है, आप उससे कम से कम 300-400 वर्ड्स ज़्यादा यूज करें अपनी पोस्ट में। ओके, यानी बड़ी पोस्ट लिखें, उससे क्या होता है कि गूगल, जब कोई भी यूजर गूगल पर सर्च करता है किसी कीवर्ड को, तो वहाँ गूगल को जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, अधिकतर मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम, तो गूगल सबसे जो बड़ी और लंबी पोस्ट होती है उसे यूजर के सामने प्रोवाइड कराता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम वर्ड वाली पोस्ट को रैंक नहीं करता, उसे भी करता है। यदि कंटेंट आपका यूनिक है, अच्छा है, आपने उसमें अच्छी तरीके से कीवर्ड्स को फिल किया है और आपने अपनी पोस्ट में ज़्यादा वर्ड्स यूज किए हैं, तो आपकी पोस्ट को पहले वो रैंक कराएगा।
ओके, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये नहीं है कि आपने बड़ी पोस्ट लिख दी उसमें यूनिक कोई कंटेंट है नहीं, उल्टे सीधे आप लिखते चले गए, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको यूनिक आर्टिकल लिखना है, और यहाँ से वर्ड चेक करने के बाद जैसे इस कीवर्ड के ऊपर जैसे ये वेबसाइट रैंक कर रही है, ओके, तो यहाँ जैसे इसने 3,917 वर्ड्स यूज किए हैं, और इस तरह आपको इनसे ज्यादा वर्ड्स को यूज करना है और इस कीवर्ड को टारगेट करना है और अपने पोस्ट में अच्छे से लिखना है, ओके, तो एक अच्छा आर्टिकल दिखेगा गूगल को, तो आपके आर्टिकल को ये इनसे पहले यहाँ पर रैंक कराएगा, ओके। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहाँ से आप इसका कीवर्ड भी देख सकते हैं। देखिए 7 नंबर वेबसाइट का दिखा रहा है, 2 एडजेक्ट कीवर्ड इसने यूज किए हैं। 7th नंबर की वेबसाइट है dollarscenti.com, ये 7 नंबर की वेबसाइट, यहाँ पर 2 एडजेक्ट कीवर्ड इसने यूज किए हैं। तो इस तरह आप इसकी मदद से, यहाँ देखिए ये आ रहा है 2, इसने यहाँ पर 2 एडजेक्ट कीवर्ड यूज किए हैं। तो इस एक्सटेंशन की मदद से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल सकता है दोस्तों, और जब आप इसे डेली यूज करेंगे तो आपको इसको यूज करना बहुत आसान हो जाएगा, ओके। और यहाँ चलते हैं हम क्लिपबोर्ड के ऊपर, और इसके साथ साथ आप चाहें तो WMS, ये कीवर्ड ये भी इसी तरह बताता है, ये आपको यहाँ CPC भी बताएगा, और वॉल्यूम ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे कैसे यूज करना होगा। और तो अब चलते हैं की क्लिपबोर्ड, जो भी कीवर्ड्स हमने डाउनलोड किए हैं, ओके। अब यहाँ क्लिपबोर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ 3 डॉट देख रहे हैं आप, ओके। तो यहाँ पर ये कीवर्ड्स हमने लिए थे, मैं 3 डॉट के ऊपर जाऊँगा, और यहाँ आ रहा है एक्सपोर्ट एज CSV, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो कीवर्ड्स हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं, ये डाउनलोड हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ एरो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ आ रहा है शो इन फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जहाँ हमारी फाइल डाउनलोड हुई है ये हमें वहाँ लेकर आ चुका है। अब यहाँ से मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और इसको कर लेता हूँ यहाँ से मैं कट, और इसे मैं डेस्कटॉप पर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो कीवर्ड्स अभी अभी हमने सर्च किए हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ओके, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास, आप इन्हें अब यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और कीवर्ड का कंपटीशन कैसे चेक करना है हमें, ओके, ये कीवर्ड्स जो हमने डाउनलोड किए हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। आपका नया ब्लॉग है तो आपको बिल्कुल लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर ही वर्क करना है, ओके। और कंपटीशन चेक करने के लिए आपको दोस्तों मैंने एक ऑलरेडी जो वीडियो है बनाया है, यहाँ देख सकते हैं आप, लो कंपटीशन कीवर्ड विद हाई ट्रैफिक, आप ये वीडियो जरूर वॉच करें। और दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंप्लीट ब्लॉगर सीरीज में अपने चैनल पर लेके आ रहा हूँ, और जो टूल पेड हैं, ओके, जो टूल्स पेड हैं उन्हें हम फ्री में कैसे यूज करेंगे, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।